संचारी रोग नियंत्रण अभियान का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक प्रयासों से सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास फलीभूत होंगे तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक पखवाड़े के जरिए ही पूर्वांचल की इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सका है। उन्होंने मौजूद लोगों को शपथ दिलाया कि वह स्वच्छता अपनाएंगे और समुदाय को बीमारी से बचाएंगे। इसके साथ ही पंचायत राज विभाग से आग्रह किया कि गांव-गांव में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाएं। वहीं इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा, जबकि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक पखवाड़ा आयोजित होगा तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान महीने भर स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान, रोगियों के उपचार की व्यवस्था, संचारी रोग और दिमागी बुखार की निगरानी, संचारी रोग और कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था, लक्षण के अनुसार रोगियों की जांच की व्यवस्था, मच्छरों की दृष्टि से हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में अंतर विभागीय सहयोग, मच्छरों को समाप्त करने की व्यवस्था, रोगियों का निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था, ग्राम व नगर विकास के सहयोग से वाहक यंत्र गतिविधियां, प्रचार प्रसार व व्यापक परिवर्तन कर नोडल अधिकारी के तौर पर अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख चरगावा वंदना सिंह सहित आशा व आंगनबाड़ी वर्कर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी आ चुके हैं और चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा कि हमारे और हमारे प्रभारी हमारे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जो आज का कार्यक्रम है, जो जिसका उद्घाटन हमारे यहाँ पर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे विधायक जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, हमारे जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे जो विधायक के प्रतिनिधि, सभी लोग द्वारा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा, सबके द्वारा आज जो है ये दीप प्रज्वलित करके स्वागत किया जा रहा है। आज जो हो रहा है सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। कराने के लिए प्रतिबद्ध है, रोग मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सभी आशा एनम जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सुअर बाड़े घर से दूर बनाए और झोला छाप डॉक्टर से दवा तो कभी न लाए। बुखार हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं और कोरोना से भी करो सुरक्षा पूरी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाथों की साबुन से धुलाई बार बार, रुमाल या कोहनी से ढककर ही छींको। आज का कार्यक्रम संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सिद्धार्थनगर से आज 2 अप्रैल को शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की होती है और जो हमारे बच्चे हैं वो कल देश के भविष्य हैं, तो ऐसे में हमारा बच्चा जो भी है वह कुपोषण का शिकार न हो। ये जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी 2017 के पहले जो एक गंभीर बीमारी के रूप में जिसमें हमारे बच्चे असमय मौत इन बच्चों की होती थी, उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, काला जार है और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जैसे उसमें आपका टीबी है, मलेरिया है, इन सारे कोई बच्चे हमारे कुपोषण के शिकार न हो, इसके लिए ये जागरूकता का अभियान 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और उसी के शुरुआत के क्रम में आज हम सब गोरखपुर ज़िले का ये कार्यक्रम चरगावा जो हमारी PHC है यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे जी हैं,
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी जी हैं और यहाँ पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव जी हैं, यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी धनंजय कुशवाहा जी हैं। सभी हमारे यहाँ पर डॉक्टर की पूरी टीम उपलब्ध है। हमारी सभी यहाँ पर आशा कार्यकर्त्री बहनें भी उपलब्ध हैं। हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानी लाल जी गुप्त जी हैं, हमारे ज़िले के दोनों मंत्री भी आज इस कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह जी, रामानंद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य रामग्रह चौहान जी, सभी हमारे कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री जी के इस अभियान को आज इस ब्लॉक चरगावा में जो शुरू हो रहा है उसी निमित्त हम सब ये कार्यक्रम करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि संचारी रोग 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक भयावह बीमारी के रूप में था और एक बीमारी का एक ऐसा दैत्य था जिसके ऊपर जो है हम लोग किसी भी तरह से काबू नहीं पा रहे थे। जब हमारे क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया उसी वक्त उन्होंने यह कठोर संदेश दिया कि हम इस संक्रामक रोग जैसी बीमारी को निश्चित रूप से हम ख़त्म कर देंगे और उसी की परिकल्पना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साल में 3 बार जो है संचारी रोग नियंत्रण माह शुरू किया और इसी का जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पहली कड़ी शुरू कर रहे हैं। ये 1 माह का कार्यक्रम होता है और यहाँ पर जो है हम लोग चरगवा में अपने लोकप्रिय माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इसका शुभारम्भ कर रहे हैं और इसके तहत जो है हमारे 12 विभागों के समन्वय प्रयास से हम लोग जो है गांव में साफ सफाई का संदेश देंगे, झाड़ियों की सफाई करेंगे, लोगों को स्वच्छ जल पीने की सलाह देंगे, संक्रामक रोगों से बचने के उपाय बताएंगे और मच्छरों को कम करने की सलाह देंगे। इसके बाद जो है हमारा 15 दिन के बाद हमारा एक दस्तक का महाअभियान चलता है जिसमें हमारी जो स्वास्थ्य की देवियाँ होती हैं ये घर घर गाँव गाँव में जा कर के उन पर जो है बुखार के मरीज, कोरोना के मरीज, TB के मरीज, कुपोषण के मरीज तथा घरों में जो भी बच्चे जिनके घरों में मच्छर पनपने की शिकायत होती है उनको लेती हैं और जो भी कोरोना लाइक लक्षण के लोग होते हैं उनको दवाओं का वितरण करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सामाजिक उत्थान का एक कहते हैं कि हमारा माह चल रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग देवी का आवाहन कर रहे हैं। देवी जो स्वयं हम लोगों के भारतवर्ष पर कृपा करती हैं, खास करके प्रदेश पर उनकी महती कृपा है और हम लोग इसी पावन पर्व के अवसर पे दिन हमारा 9 वर्ष के दिन से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यकीनन हम लोग जो है बीमारी के जो महासुर है इसको हम लोग जो है ख़त्म करने में सफल होंगे और इसी साथ और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की बढ़ चढ़ करके आप लोग प्रचार प्रसार करिए, आमजनों में किए कि सबसे पहले जो मुख्य चीज़ें हैं कि खाना खाने के पहले हाथ धुल लिया करें, शौच बाहर करने न जाएं, जो शौचालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घरों में बनवाया है जो सामुदायिक शौचालय उसका प्रयोग करें और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलें, स्वच्छ जल का पानी पिएं, कहीं पर भी जो पानी जो है साधारण नल का नहीं पीना चाहिए, जो सामान्य हैंडपम्प होते हैं इंडिया मार्का सरकार ने प्रत्येक 2-2 किलोमीटर की दूरी पे लगा रखा है, आप वहाँ का पानी पीजिए, साफ सफाई बरतिए, व्यक्तिगत स्वच्छता बरतिए, मच्छरों को घर में मत पनपने दीजिए, अपने नौनिहालों को जिनको स्कूल भेजते हैं उनको मोटे कपड़े पहनाइए, स्कूल में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो और स्कूलों में प्रकाश जिससे कि खुला वातावरण जो है शुद्ध हो जिससे कि मच्छर वहाँ ना रहने पावे और साफ सफाई करिए, खास करके अपने छोटे बच्चों को झाड़ियों के किनारे खेलने के लिए मत भेजिए, खेतों में जो चूहे होते हैं उनको भी मारने की व्यवस्था करिए, घरों में छूदर नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सबको जागरूकता फैलाने के लिए आम जन के बीच में और एक सुखद संदेश ये भी है कि जहां हम लोग जो है पिछले वर्ष इस माह तक भी हमारे जनपद में 3 मौतें हो चुकी थी, अभी तक जो है जनवरी से लेकर के अब तक हमने कुल 8 मरीज हमारे पास JEAES के चिन्हित किए गए हैं और कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, ये अपने जनपद के लिए गौरव की बात है। ये सब हमारे सरकार के नेतृत्व का परिणाम है, कुशल निर्देशन का है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और सदैव हम लोगों से संवाद कर करके हम लोगों को निर्देशित करते रहते हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है सतत इस बीमारी को ख़त्म करने का चल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से गोरखपुर संक्रामक रोग बीमारियों से मुक्त रहेगा। धन्यवाद।